खबर तो ये है कि फिरोजाबाद जिले में बाइक चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, लेकिन जब एसएसपी अशोक कुमार ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खबर कुछ और ही बन गई, क्योंकि एसएसपी साहब ने जो कहा वो कहने की हिम्मत पुलिस विभाग के अधिकारियों में ना के बराबर होती है। एसएसपी साहब ने कड़वा सच भी कबूल किया, खरी खरी बात की और वो रास्ता भी बता दिया जिससे बाइक चोरी का खेल हमेशा के लिए बंद हो सकता है। एसएसपी साहब ऐसा क्या बोले हैं कि उनका बयान चर्चा में आ गया है, इसे समझने के लिए उनका पूरा बयान सुनिए। और हाँ, बयान खत्म होने के बाद हम आपसे जानेंगे कि एसएसपी साहब की बात में कितना दम है। ये मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें एक दो इतनी ज्यादा संख्या में है, भी आदमी अब साइकिल कम यूज कर रहा है, मोटरसाइकिल अधिक यूज कर रहा है, तो ज्यादा संख्या में है। तो ये अस्पताल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, सराफा मार्केट में, मंदिरों में ज्यादातर ये लोग मोटरसाइकिलें पार कर देते हैं। ये चार लोग पकड़े गए हैं आपके सामने, गौतम, संतोष, राहुल और रजत, इनसे 11 गाड़ियां बरामद हैं। अभी और भी बरामद होंगी, उसमें से चार तो कनेक्ट हो गई हैं जो चोरी हुई हैं। एक एतमादपुर आगरा से, एक जयपुर राजस्थान से, दूसरी जयपुर राजस्थान से, तीसरी नोएडा से। ये चार कनेक्ट हैं, सात हमारे पास हैं और अभी और बरामद होगी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चिनाइती चैन की तब बंद होगी जब सोनार पकड़े जाएंगे जो खरीदते हैं, या जो चोरी के सोना खरीदते हैं उनको पकड़ा जाए तो बंद हो। ये गाड़ी खरीदने वाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। इसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान सम्मिलित हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा कि दो तो हमारे सिपाही हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा है, आज ही उनको निलंबित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, और एक सिपाही है आगरा चला गया यहां से ट्रांसफर पे। तो ये तीन सिपाही हमारे हैं जो खरीदते थे, उनसे बरामदगी हुई है सिपाही के घरों से, और कुछ पत्रकारों को भी बेचा है इन्होंने। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हम और आप दोनों मिले हुए हैं इस धंधे में। ये शर्म की बात है और ये चिंता का विषय है। तो मैं चाहूंगा इस पर लगाम लगे, जब तक खरीदारी नहीं रुकेगी मोटरसाइकिलों की तब तक चोरी नहीं रुकेगी। सिपाहियों के नाम सर? सिपाही हमारे एक सुरेंद्र सिंह है, अभी सस्पेंड है सिपाही जी हमारे, ये तेल की चोरी कर रहे थे उसमें मैंने सस्पेंड किया था। ये दूसरा कारनामा इनका निकला है, जो खोटा होता है हर जगह दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रवीण हैं, तीसरे दलवीर हैं, आगरा चले गए हैं। तो बहुत बेरहमी से मैं कार्रवाई करूंगा इसमें, क्योंकि जब हम ही शरीक होंगे जुर्म में तो जुर्म कहां रुकेगा। अब आप ही बताइए, एसएसपी साहब ने की है ना 16 आने सच्ची बात? बिल्कुल, शत प्रतिशत 16 आने सच्ची बात, क्योंकि जो एसएसपी अशोक कुमार ने कहा वो बिल्कुल सही है। जब तक चोरी के सामान के खरीदार नहीं बंद होंगे तब तक चोरी नहीं बंद होगी, और चोरी के सामान की खरीदारी बंद करने के लिए भी एसएसपी ने अपने तीन सिपाहियों को उनके किए की सजा भी दी, ताकि ऐसा करने से पहले हर आदमी ये सोच ले कि जुगाड़ू खरीदारी कितनी महंगी पड़ती है। अंत में एसएसपी ने इशारे में ही सही, लेकिन खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की दुहाई देने वाले पत्रकारों को भी जुगाड़ू काम नाम करने की हिदायत दे डाली। एनडीटीवी भारत भी एसएसपी साहब के इस फैसले का स्वागत करता है और अपने दर्शकों से अपेक्षा रखता है कि वो चोरी का सामान खरीदकर चोरों को और बढ़ावा नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।